हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए कुछ नया लेके। वीडियो को देखते देखते आप समझ गए हो कि मैं आज क्या लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ जो हमारी आंखों के घेरे होते हैं, काले काले जो घेरे आ जाते हैं हमारी आंखों में, उसके बारे में आज आपको बताऊँगी और उसकी कुछ चार पाँच रेमेडीज आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बाजू में बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको पूरी रेमेडीज़ का पता चलता रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो फ्रेंड्स मेरे इंस्टा पे हैं, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा को वीडियो भेजना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रेमेडी आपके लिए क्या है? आपने कुकम्बर लेना है, खीरा लेना है, उसके स्लाइसेस करने हैं और थिक स्लाइसेस लेने हैं आपने। उनको फ्रीजर में रख के चिल्ड करना है। जो कुकम्बर होता है वो हमारी स्किन को लाइटन करता है, ठीक है। इसको आपने अपनी आइज़ पे 20 मिनट तक रखना है इन स्लाइसिस को। देन 20 मिनट के बाद उनको रिमूव करके अपनी आईज़ को क्लीन कर लेना है, ठीक है। सेकंड मेडी फ्रेंड्स आपकी है, आपने जो ग्रीन टी के बैग होते हैं वो लेना है। ग्रीन टी के जो होती है, ग्रीन टी होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। इन बैग्स को आपने फ्रीज़र में लगाना है, रेफ्रिजरेटर में लगाना है और अपने आईज़ पे 15 मिनट तक रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। दो रेमेडीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, नंबर एक कुकम्बर, नंबर दो पे है ग्रीन टी बैग्स। तो ये दोनों आपने चिल्ड करके फ्रीजर में रख के ठंडे करके ही आइज़ पे रखने हैं, ठीक है। तो इसके कंटिन्यूस यूज़ से जब आप इसको डेली यूज़ करोगे तो आपके जो ब्लैक जो घेरे हैं आँखों पर, डार्क सर्कल्स हैं, वो कम होने लगेंगे। फ्रेंड्स, जो जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को साथ के साथ लाइक करते रहें। हमारी थर्ड रेमेडी है फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध में विटामिन ए होता है, ठीक है। ये हमारी स्किन को लाइटन करता है। इसको आपने फ्रीजर में ठंडा करके, कॉटन को भी इसके साथ रखना है, उसको भी ठंडा कर लेना है। कॉटन को इसमें डिप करके आपने ये चिल्ड कॉटन जो है दूध में डिप किया हुआ, उसको 15 मिनट तक आपने अपनी आइज़ पे रखना है। ये बहुत ही सिंपल वे है। दूध हमें ठंडक प्रदान करता है। कच्चा दूध हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन को ब्राइटन करती हैं। तो मैं ये बिल्कुल लाइट लाइट सी चीज़ें आपको बता रही हूँ, इससे आंखों पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। हमारी फोर्थ रेमेडी है फ्रेंड्स, आपने टमाटर लेना है, ठीक है। टमाटर का जूस निकाल लें, उसमें कुछ बूंदे लेमन की डाल लें। तो इसको सॉफ्टली आपने कॉटन के साथ अपनी आईज़ के नीचे कॉटन के साथ लगाना है। आंखों में अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैंने लेमन, ये दोनों खट्टे होते हैं, किसी की आंखों में चुभ भी सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आंखों पे डार्क सर्कल्स है आपने वहीं पे लगाना है। ये जो टोमेटो है और लेमन जूस है, इनमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये स्किन को लाइटन करती हैं, ब्राइटन करती हैं, ठीक है। इनका आपने डेली यूज़ करना है, ओके फ्रेंड्स। तो जो भी मेरे ब्रदर सिस्टर्स मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ। फिफ्थ रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, आपने कॉफ़ी लेनी है, उसको ठंडे पानी में अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है कॉफ़ी को, ठीक है। देन आपने कॉटन के साथ उनको आँखों पर, जहाँ पे आपके डार्क सर्कल हैं वहाँ पे अप्लाई करना है। जो ये कॉफ़ी होती है इसमें भी ब्राइटन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन को लाइट करती हैं, ये स्किन में चमक लाती हैं कॉफ़ी, ठीक है। तो मैंने आपको ये पांच रेमेडीज़ बताई हैं जो कि स्किन के लिए, आइज़ के लिए जो डार्क सर्कल होते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट हैं और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही आपने हेल्दी फूड लेना है। अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। ग्रीन लीफी जो हमारे जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको ऐड करना है, ओके फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपने साथ ही साथ जो है वाटरी जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं उनको लेना है, जैसे कुकम्बर है और वाटरमेलन है, इनका आपने यूज़ करना है।
साथ साथ लेमन और बीटरूट का भी आपने अपनी डाइट में यूज़ करना है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही आपने कुछ योगा करने हैं, ठीक है। जैसे ओम विलोम आप कर सकते हो, उसके साथ ही आपने पानी को अपने मुंह में डालकर, ठीक है, गार्गल नहीं करने हैं, पानी को अपने मुंह में डालकर अपने मुंह को फुला लेना है, चिक्स को अपने फुला लेना है कुछ देर तक। इससे क्या होगा, जो हमारे फेस की रिंकल्स हैं, शाइयाँ हैं, सब दूर होंगी, फेस की थोड़ी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। पानी के आप जितना अपने माउथ में पानी ले सकते हो, अपने माउथ को भर लेना है पानी से। तो देन आपने कुछ टाइम के लिए अपने माउथ में एज इट इज़ ही पानी को रखना है, देन आपने पानी को निकाल देना है माउथ से। तो कुछ एक्सरसाइज हैं मैं आपको बता रही हूँ, इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारी स्किन के लिए, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होती हैं, ठीक है। तो हमें साथ की साथ फेस की एक्सरसाइज भी करती रहना चाहिए, डाइट भी अच्छी लेनी चाहिए, और डार्क सर्कल के लिए हमें रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी आईज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दीजिए आप, और फ़ोन टीवी का कम यूज़ कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए आप, ठीक है, तो ही आपको इसका बेनिफिट होगा। जब तक आप आईज़ को टेंशन देते रहोगे, बार बार फ़ोन देखते रहोगे, टीवी देखते रहोगे, तो उसके साथ ये रेमेडीज़ जो है काम नहीं करेंगी। देखें टीवी और फ़ोन, लेकिन थोड़े टीवी और फ़ोन का यूज़ आप कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नया लेके। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रख रही, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल का आइकन प्रेस करें। थैंक यू।